एक है अमल नमाज के अंदर, जो नमाज के बाहर अमल है उसकी ताकत और है, और जो नमाज के अंदर अमल है उसकी ताकत और है। नमाज के जो अंदर अमल है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। सूरत अलम नशरा, सूरत अलम तरह कैफा, इसको जिंदगी में कभी न छोड़ें, अपनी सुन्नतों में, अपनी अकेली नमाजों में, अपनी तन्हा नमाजों में न छोड़ें। जो चाहता है कि आज के दौर में, जब हदीस के अल्फाज सुनाता हूं, फरमाए साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा। ये आग जलती है, छोटी सी चिंगारी यूं ऊपर उठती है और बुझ जाती है। आग जलती है, छोटी सी चिंगारी ऐसे उठती है ऊपर, और ऊपर जाके बुझ जाती है। पर मैं दिन ऐसे गुजरेगा, उन औकात में अगर बरकत चाहते हैं, जब बरकत बरकत गंदम से, रिस्क से, सेहत से, दिन से, उम्र से, सालों से, महीनों से, चीजों से खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक अल्लाह वाले थे, बासी रोटी 2 दिरहम की देते थे, ताजा रोटी 1 दिरहम की देते थे। लोग हैरान थे, और मैं हजरत बासी रोटी 2 दिरहम की, और मैं इसको बरकत वाला वक्त हासिल है, हर आने वाला वक्त बरकत को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। हर आने वाला वक्त बरकत को खत्म कर रहा है, हर आने वाला वक्त। जब ये दिन हो कि साल महीनों के बराबर हो जाएं, और महीने हफ्तों के बराबर हो जाएं, और हफ्ता दिन के बराबर हो जाए, और दिन शरारे और चिंगारी के बराबर हो जाए, ऐसे औकात में अपनी नमाज में अलम नशरा, अलम तरह कैफा पढ़ें। काम सिमटेंगे, काम बनेंगे, थोड़े वक्त में जल्दी अल्लाह गैबी निज़ाम चलाएगा, थोड़े वक्त में अल्लाह बरकतों रहमतों के दरवाजे खोलेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों के हमले, बड़े बड़े ताकतवर हमलों से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, और अल्लाह गैब से अनोखा निज़ाम चलाएगा, अल्लाह गैब से अनोखा निज़ाम चलाएगा।